नमस्कार, सरोज द एप्रेंटल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी महाशिवरात्रि व्रत के लिए 3 रेसिपीज। काफ़ी इजी है इनको बनाना और व्रत में आप इसे आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साबूदाना खीर बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है और इसको बॉयल आने तक मैंने पका लिया है दूध को, तो दूध में अच्छा बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे साबूदाना, और जो ये साबूदाना है इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं अब। तो आप इसको जो खीर बनाने से पहले साबूदाना को भिगोना ज़रूरी है। तो ये 1/2 कप साबूदाना डाला है मैंने 1 लीटर दूध में, और अब मीडियम फ्लेम पे हमें साबूदाना को पकाना है। जब तक कि ये दूध हमारा गाढ़ा हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। तो इसमें लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो हमें 10 से 15 मिनट के लिए दूध को पकाना है। 15 मिनट पकाने के बाद दूध अच्छा गाढ़ा हो गया है और साबूदाने भी हमारे पक गए हैं। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ये मैंने कटे हुए काजू और बादाम लिए हैं, और इसमें कटा हुआ नारियल डालेंगे। 10 से 15 किशमिश हैं, ये डालेंगे इसमें। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 कप मखाने लिए हैं मैंने, ये इसमें डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे चीनी। तो ये 1/2 कप चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा डालें। अब हमें मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट के लिए और पका लेना है। अब 5 से 7 मिनट पकाने के बाद खीर हमारी तैयार है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हमारी साबूदाना खीर बनकर के तैयार है। आप इसको ठंडी या गर्म दोनों ही तरीके से सर्व कर सकते हैं। अब हम व्रत के लिए चटपटे आलू बना करके तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। घी हल्का गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 6 से 7 कड़ी पत्ता। इसको भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसमें डाल देंगे ये आलू। ये 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और कट करके डाल रही हूँ। 4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और अब हम मसाले के साथ आलू को मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हमें लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। तो इसको हम कवर कर देंगे, और कवर करके फ्लेम को हमें लो रखना है, 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। मिनट पकाने के बाद इसको हम कवर ढक्कन हटा देंगे और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और इसके साथ ही डालेंगे ये 1/2 नींबू लिया है इसका रस, इसमें डाल दो। व्रत के लिए चटपटे आलू बनकर के तैयार है। अब हम बनाएंगे व्रत में खाई जाने वाली साबूदाने की खिचड़ी। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच देसी घी। इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 4 कटी हुई हरी मिर्च, 2 पत्ता, 1 बॉईल किया हुआ आलू कट करके डालेंगे। आलू को 2 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद इसमें डालेंगे ये 1 कप साबूदाना लिया है मैंने, और इसको मैंने एक ओवर नाइट भीगने के लिए रख दिया था। तो पूरी रात भिगोने के बाद मैं ये साबूदाना लिया है। अब इसमें डालेंगे व्रत वाला नमक 1/2 छोटा चम्मच, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने पर नमक आप इसको मिक्स कर देंगे। 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और काली मिर्च का पाउडर दोनों डाले हैं, आप चाहें तो केवल हरी मिर्च से इसको बना सकते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे, और कवर करके हम 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। 4 मिनट पकाने के बाद हम ढक्कन को हटा देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस, और हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। ये तैयार है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। व्रत के लिए साबूदाना खिचड़ी बनकर के तैयार है। महाशिवरात्रि व्रत के लिए हमारी रेसिपी बनकर के तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही न्यू रेसिपीज़ के लिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।